एक समय की बात है, दो दोस्त जंगल में घूम रहे थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। वो दोनों घूमते घूमते रास्ता भटक गए। तभी अचानक उन दोनों के सामने एक जंगली भेड़िया आ गया। वो दोनों तेजी से भागने लगे और अचानक उनका पैर फिसला और वो एक बड़े से गड्ढे में गिर गए और गड्ढे में गिरकर वो दोनों बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक बड़े से रेगिस्तान में पाया। वो दोनों पूरी तरह चौंक गए ये सोचकर कि आखिर वो जंगल से रेगिस्तान में कैसे पहुंच गए। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। दोनों रास्ता ढूंढने में लग गए। वो चलते रहे और कुछ समय बाद थक गए। श्याम को थोड़ी दूर एक पेड़ दिखाई दिया। दोनों ने उस पेड़ के पास जाकर आराम करने का फैसला किया। वो दोनों उस पेड़ की ओर चल पड़े और कुछ समय बाद जब वो उस पेड़ के पास पहुंचे तो वो पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने देखा कि उस पेड़ पर पैसे उगे हुए थे। श्याम बहुत खुश हो गया और चिल्लाने लगा, ये मैं अमीर बन गया, और तुरंत जाकर उस पेड़ के सारे पैसे तोड़ने लगा। लेकिन राम की नजर वहां लगे एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था, सावधान, ये मायावी पैसों का पेड़ है। जो भी लालच करके इसके पैसे तोड़ेगा वो हमेशा हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में फंस कर रह जाएगा, और जो भी अपने लालच पर नियंत्रण करके इस बोर्ड को पूरा पड़ेगा वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगा। तभी अचानक चारों ओर धुआं छा गया और जब धुआं हटा तो राम खुद को अपने घर में पाता है और श्याम रेगिस्तान में फंसा रह गया। तो इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।